Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. लंबे समय से एक requirement आ रही थी कि battery charger के बारे में बताइए, तो आज हम लेके आए हैं battery charger basics. battery सेट के बारे में दो वीडियो हमने बना के रखी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग केमिकली किस तरह से होती है उसके बारे में डिटेल से बताया है, और बैटरी को मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है वो बताया है. आज हम देखेंगे बैटरी चार्जर की चार्जर किस तरह से काम करता है. हमारा कोई भी सबस्टेशन हो तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक कंट्रोल पैनल होता है जिससे ब्रेकर ऑन ऑफ होता है, तो वो कंट्रोल पैनल जो होता है वो डीसी के ऊपर काम करता है, यानी कि उसका जो सप्लाई होता है वो डीसी सप्लाई होता है. तो उसके लिए हमें एसी टू डीसी कन्वर्ट करके कंट्रोल पैनल को देना होता है. वो क्यों देना होता है? क्योंकि जब भी हमारा एसी पावर फेल हो जाएगा तो हमारे पास एसी पावर नहीं रहेगा और हम कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम डीसी पावर रखते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उस डीसी पावर का बैकअप रखना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बैटरी सेट रखना पड़ेगा, और बैटरी सेट रखेंगे तो उसके लिए हमें बैटरी चार्जर रखना पड़ेगा. चलिए देखते हैं किस तरह से होता है. देखिए, हमारा ये कंट्रोल पैनल है कि जिसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई है वो 1110 वोल्ट डीसी है. ठीक है, हमारे पास एक बैटरी सेट है जिसका टोटल वोल्टेज 1110 वोल्ट है, यानी कि 2 वोल्ट के 55 सेल, और उसके लिए हमारे पास जो होता है वो चार्जर होता है. अभी चार्जर जो आपने देखा होगा, तो चार्जर में तीन कंपार्टमेंट होते हैं. एक होता है बूस्ट चार्जर, दूसरा होता है फ्लोट चार्जर, और तीसरा होता है डीसीडीबी, यानी कि डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड. ओके, तो अभी हम चार्जर के बारे में देखेंगे कि चार्जर का बूस्ट फ्लोट कैसे काम करता है. ठीक है, चार्जर का बेसिक डायग्राम बना के हम ये समझेंगे कि ये सब काम किस तरह से करता है. तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल को जो 110 वोल्ट डीसी सप्लाई दिया गया होगा वो हमारा जो डीसीडीबी होता है उसमें से दिया गया होगा. उसमें फीडर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे फीडर 1 में से वो सप्लाई कंट्रोल पैनल में गया है. दूसरा चीज़ क्या था कि बैटरी सेट. तो देखिए, बैटरी सेट, बैटरी सेल 1, 2 होके होते हुए 55 सेल होते हैं, और 55 सेल के सीरीज में लगा के जो वोल्टेज हमें मिलेंगे वो 1110 वोल्ट मिलेंगे. तो इस तरह से हमारा ये बैटरी सेट हो गया. अभी जो मेन चीज है वो है चार्जर. तो चार्जर किस तरह से होता है? तो चार्जर इस तरह से होता है. देखिए, चार्जर में यहाँ पे 3-phase सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. 3-phase सप्लाई से हम यहाँ पे एमसीबी अगर ऑन करेंगे तो हमारा एक ट्रांसफॉर्मर होगा जो 3-phase सप्लाई से हमको 440 वोल्ट जो होगा उसको 1110 वोल्ट एसी सप्लाई बना के देगा. ठीक है, फिर एक रेक्टिफायर लगाएंगे और रेक्टिफायर हमें वो 1110 वोल्ट है उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, और वो डीसी पावर जो है वो यहाँ पे डीसीडीबी में जो हमारा फ्लोट का बस रहेगा 1110 वोल्ट डीसी का बस, उसमें यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, और वहां से हमें ये कंट्रोल पैनल में सप्लाई मिलेगा. अभी आपने देखा होगा कि चार्जर में तीन कनेक्शन होते हैं जो बैटरी की ओर जाते हैं. उसमें एक होता है सबसे लास्ट वाला सेल जो पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे हमारा 55 नंबर का सेल जो है वहाँ पे पॉजिटिव लगाना होता है. फिर फर्स्ट सेल रहेगा तो उसमें नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव है. और जो एक दूसरा होता है वो टैप सेल होता है. आगे हम जानेंगे कि ये टैप सेल किस तरह से काम करता है. यहाँ पर बैटरी सेट में हर सेल 2 वोल्ट का होता है, तो उससे 55 सेल से 1110 वोल्ट
जनरेट होते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे एसी सप्लाई की और डीसी सप्लाई का फ्लो देखेंगे कि किस तरह से होता है। देखिए, ये एसी सप्लाई की स्विच ऑन किया तो यहाँ पे डीसी सप्लाई जनरेट होके ये फ्लॉट बस में जाके अपने फीडर वन से कंट्रोल पैनल में पहुँच गई, यानी कि जितने भी फीडर है वहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाएगा। दूसरा क्या होगा कि यहाँ से जो डीसी जनरेट हुआ 110 वोल्ट वो यहाँ पर बैटरी में भी सप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी भी 1110 वोल्ट तक चार्ज रहेगी और इस जो चार्जिंग की स्कीम है उसको बोलते हैं फ्लोट चार्जर। तो फ्लोट चार्जर में ये होता है कि हमारा जो कंट्रोल पैनल है उसमें जितना भी सप्लाई चाहिए वो डायरेक्ट फ्लोट चार्जर जो होता है वो सप्लाई करता है और उसके साथ बैटरी को 1110 वोल्ट तक रखता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम लोग इस स्विच को ऑफ करेंगे तो क्या होगा कि बैटरी जो 1110 वोल्ट से चार्ज है वो यहाँ पे सप्लाई देना शुरू कर देगी फ्लोट बस के थ्रू कंट्रोल पैनल को। ठीक है, तो यहाँ पे 1110 वोल्ट हमें मिलता रहेगा कंट्रोल पैनल को। लेकिन क्या होगा कि बैटरी तो 1110 वोल्ट तक ही चार्ज है तो क्या रहे होगा कि भाई बैटरी डाउन होना शुरू हो जाएगी, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी और उसके वोल्टेज कम होने लगेंगे। सही है, तो उसके लिए क्या चाहिए कि एक और चार्जर हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि यहाँ पे दूसरा चार्जर रहेगा जिसको हम बूस्ट चार्जर बोलते हैं। तो वो चार्जर किस तरह से काम करता है वो देखते हैं। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग 2 वोल्ट पर सेल दे रहे हैं, यानी कि 55 सेल का 1110 वोल्ट फ्लोट चार्जर से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बूस्ट चार्जर जब भी ऑन होगा तो पर सेल 2.6 वोल्ट हम देंगे, जिससे क्या होगा 143 वोल्ट जनरेट होगा और वो 143 वोल्ट यहाँ बूस्ट चार्जर जनरेट करेगा और वो हमारे जो चार्ज बैटरी है उसको चार्ज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 143 वोल्ट से हमारी बैटरी बूस्ट चार्जिंग में चार्ज होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये कनेक्शन है जो नेगेटिव टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, तो उससे क्या होगा कि ये 143 वोल्ट जो है वो यहाँ पे चला जाएगा फ्लोट बस में और यहाँ पे 1110 की जगह 143 वोल्ट चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे कंट्रोल पैनल में जो भी इक्विपमेंट है उसको नुकसान हो सकता है क्योंकि वो रेटेड है 1110 वोल्ट से। तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये पॉजिटिव का कनेक्शन है उसको यहाँ पे ओपन करके हम यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट लगा देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट लगाने से ये क्या होगा कि ये कॉन्टैक्ट ओपन रहेगा जब भी ये बूस्ट चार्जिंग चालू रहेगा। तो क्या होगा कि 143 वोल्ट जो अपना है वो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी अगर हमारा फ्लोट चार्जर बंद हुआ तो क्या होगा कि फ्लोट चार्जर अगर बंद है तो यहाँ से तो 1110 वोल्ट यहाँ पे नहीं जाएगा और बूस्ट चार्जर चालू होने की वजह से यहाँ पे ओपन हो गया तो ये 143 वोल्ट भी यहाँ पे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हमारे कंट्रोल पैनल को सप्लाई नहीं मिलेगा। तो उसकी जगह पे काम आता है टैप सेल। ठीक है, अभी टैप सेल किस तरह से काम करता है वो देखते हैं कि टैप सेल जो होता है वो 42 नंबर सेल अगर हम गिने 2.6 वोल्ट से तो टोटल वोल्टेज होता है 109.2 वोल्ट, यानी कि 110 वोल्ट हो गया। तो हमारा जो 42 नंबर का जो सेल है वो यहाँ पे होता है, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम टैप सेल में कनेक्ट करेंगे।
ये टैप सेल यहाँ पर कनेक्ट होता है बैटरी से और चार्जर से। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से ये 110 वोल्ट यहाँ पे पॉजिटिव में मिल गया, यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे मिल गया और ये हमारा कंट्रोल पैनल को 110 वोल्ट सप्लाई पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी एक और चीज़ है कि जब हमें ये हमारे फ्लोट चार्जर चार्ज होगा चालू करेंगे तो यहाँ पे भी 110 वोल्ट तो है ही ना, तो वो यहाँ पे रिवर्स जाएगा 110 वोल्ट यहाँ पे और वो 110 वोल्ट यहाँ इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम एक डायोड लगा देंगे कि यहाँ से रिवर्स वोल्टेज यहाँ पर ना जाए। तो टैप सेल जो होता है उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरह से होती है कि टैप सेल से जो निकलता है 110 वोल्ट वो यहाँ पे फ्लोट बस में जाता है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट तो लगा दिया, लेकिन ये कॉन्टैक्ट कब ओपन रहना है कब क्लोज रहना है उसकी कंडीशन देखें तो जब भी बूस्ट चार्जर ऑन होगा तब ये कॉन्टैक्टर ओपन होना चाहिए, यानी कि ये कॉन्टैक्ट ओपन होना चाहिए, सही है। लेकिन जब भी बूस्ट चार्जर ऑफ होगा तो ये 110 वोल्ट यहाँ से जाना चाहिए इस तरफ। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारी बूस्ट चार्जर की MCB है उसके बाद यहाँ पे जो वोल्टेज आता है उस वोल्टेज पे हम एक कॉन्टैक्टर कर देंगे यहाँ पे। ये कॉन्टैक्टर जब भी पिकअप होगा तब क्या होगा कि ये कॉन्टैक्ट NO हो जाएगा, यानी कि जब भी बूस्ट चार्जर हम ऑन करेंगे ये कॉन्टैक्ट NO हो जाएगा तो यहाँ से हमारा 143 वोल्ट जो है वो यहाँ पे नहीं जाएगा, सही है। तो ये सिंपल हमारा जो बैटरी चार्जर है उसका फ्लोट और बूस्ट किस तरह से काम करता है ये हमने यहाँ पे देखा। मेन चीज़ है ये कॉन्टैक्टर, जब भी आप बूस्ट चार्जर ऑन करें तब आपको ध्यान रखना है कि इस कॉन्टैक्टर का पिकअप होने की आवाज़ आई कि नहीं। ये आवाज़ आएगी तो आपका बैटरी फ्लोट एंड बूस्ट दोनों अलग चलेगा, सही है। अभी और कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हमें फ्लोट और बूस्ट साथ में चलाना चाहिए कि नहीं, तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे जो भी समझाया उससे पता चल गया होगा कि हम फ्लोट चार्जर और बूस्ट चार्जर दोनों को एक साथ चला सकते हैं। फ्लोट चार्जर अगर बंद हो गया तो बूस्ट चार्जर सिर्फ चलेगा और जो यहाँ पे बस में वोल्टेज चाहिए 110 वोल्ट वो इस टैप सेल से हमको मिलता रहेगा, यानी कि यहाँ पे हमेशा 110 वोल्ट रहेंगे। अभी बूस्ट चार्जर बंद हो गया तो क्या होगा कि ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और ये बैटरी का जो 110 वोल्ट है वो यहाँ से यहाँ तक बस में चला जाएगा, यानी कि दोनों चार्जर भी बंद हैं तब भी ये जो हमारा बैटरी सेट है वो 110 वोल्ट यहाँ से कंट्रोल पैनल को पहुँचाएगा, ठीक है। चलिए पूरा एक ऑपरेशन देख लेते हैं चार्जर का। तो सबसे पहले फ्लोट चार्जर ऑन करेंगे तो सप्लाई इस तरह से पास होगा कंट्रोल पैनल में और बैटरी सेट में, ठीक है। अभी हम फ्लोट चार्जर को ऑफ कर देते हैं तो ऑफ करने से क्या होगा कि बैटरी से हमारी कंट्रोल पैनल को सप्लाई जाएगा, ठीक है। 110 वोल्ट वहाँ पे भी मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो फ्लोट बूस्ट चार्जर को हम ऑन करेंगे और फ्लोट चार्जर को ऑफ ही रखेंगे तो ये ऑन होने से क्या होगा, देखिए ये ऑन किया तो यहाँ पे ये स्विच ओपन हो गई और जो हमारा सप्लाई है DC सप्लाई वो इस तरह से फ्लो होगा
और यहाँ पे 42 नंबर के सेल से पॉजिटिव सप्लाई होगा 110 वोल्ट के लिए। तो जब भी बूस्ट चार्जर सिर्फ चालू रहेगा तब इस तरह से फ्लो रहेगा, सही है। लास्ट में हम दोनों चार्जर को ऑन रखेंगे और देखते हैं किस तरह से होता है। देखिए सबसे पहले हमारा बूस्ट ऑन, बूस्ट ऑन होने से ये यहाँ पे गया और यहाँ पे फ्लोट ऑफ है, ठीक है, तो बूस्ट की तरह सप्लाई जाएगा। अभी मैं फ्लोट को ऑन करता हूँ तो फ्लोट ऑन करने से भी यहाँ पे जो सप्लाई होगा वो हमारा कंट्रोल पैनल में जाता रहेगा। तो ये पूरा चार्जर किस तरह से काम करता है और उसका फ्लो किस तरह से होता है डीसी का, वो हमने देखा। बैटरीज और बैटरी चार्जर के बारे में मेरे ख्याल से आपको सब कुछ जानकारी मिल गई होगी, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और नए टॉपिक पे। तो देखते रहिए इनसाइड टेक्स। थैंक यू।